भाई पीछे देखो कितना सुंदर बना रखा है ये। राम राम जी सभी को, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम आज जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से माता वैष्णो देवी। तो आज की जो अपनी यात्रा होगी माता वैष्णो देवी की होगी और यहाँ से जो अपना रास्ता है ना सारा, वो आपको दिखाएंगे। रास्ते के प्यारे प्यारे व्यू आपके साथ शेयर करते चलेंगे। बने रहना भाई, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़ा आने वाला है। और रास्ते में जो भी दिक्कतें हमें आने वाली है वो आपके साथ शेयर करते चलेंगे। अभी निकलते हैं घर से बाहर और बैठते हैं गाड़ी में, बुलवाते हैं आपको कौन कौन मेंबर मेरे साथ जा रहे हैं और कौन से रास्ते से हम जाएंगे। भाई अभी आप सामने जो हाईवे देख रहे हैं ना, ये है 152D। ये रास्ता हमने सिलेक्ट किया। एक बार पहले आपको अपने मेंबरों से मिलवा देता हूँ, उसके बाद बताएंगे कि हमने ये रास्ता क्यों सिलेक्ट किया। अभी आप सामने जो देख रहे हैं भाई, ये है सुंदर अरोड़ा साहब हमारे, उनसे मिलो आप पहले। ये है राहुल आर्य। तो अभी ये गाड़ी में सामान रखने में व्यस्त है, तो चलते हैं अभी यहाँ से। अभी अरोड़ा साहब गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे अरोड़ा साहब और हम बैठेंगे साइड में, वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग यहाँ से 152D से। तो भाई 152D हमने क्यों सेलेक्ट किया, अब बात करते हैं इस पर। भाई जैसा कि आप सबको पता है ना कि पिछले काफ़ी दिनों से किसान बैठे हैं समूह बॉर्डर पर, जो अम्बाला और पंजाब के बीच में पड़ता राजपुरा, उसके और उसके अम्बाला के बीच में बैठे हैं वो टोल टैक्स से पहले, टोल टैक्स के ऊपर ही बैठे हैं एक तरह से। तो भाई वहाँ से हम जा नहीं सकते, तो हमने वहाँ से जाते, अगर NH-44 से जाते तो हमें दाएं बाएं से ही निकलना पड़ता, तो हमने यही 152D सेलेक्ट किया। क्योंकि आगे जब हम जाएंगे ना यहाँ से आगे, इसी रास्ते से हम दाएं बाएं से निकलेंगे, क्योंकि गांव से निकल के ही वो रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। भाई अभी आप जो ये सामने रास्ता देख रहे हो ना, ये है यहाँ का लोकल रास्ता, जो NH-152 था उससे हम नीचे उतर चुके हैं। और ये साइड में जो गाँव के लिंक रोड है ना, वहाँ से जा रहे हैं। अभी आगे आप रोड की कंडीशन देख सकते हो कैसी कंडीशन है। इसका कारण यह है भी क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक, कुछ ट्रैफिक यहाँ से जाती है, ज़्यादातर ट्रैफिक जाती है चंडीगढ़ साइड से, मगर इससे भी भारी भरकम वाहन जाते हैं, जो ट्रक वगैरह निकलते हैं ना इस साइड से भी बहुत निकलते हैं, जिन्होंने रोड बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। आगे रोड की कंडीशन और भी ख़राब आएगी। तो इस तरह से हम गाँव से निकलते हुए निकले, जो यहाँ से राजपुरा के पास से ना एक रोड जाता है पटियाला की तरफ, हम उस रोड पर निकलेंगे और उस रोड से फिर हम दोबारा NH-44 पर चढ़ेंगे आगे। तो इस तरह का सारा व्यू है, आप देखते रहना, पूरा वीडियो देखना, आपको मज़ा आएगा। यदि आप भी प्लान कर रहे हैं ना जम्मू की तरफ जाने का या फिर अमृतसर की तरफ जाने का दिल्ली साइड से, तो ये सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बीच में इस तरह के रोड आएंगे, क्योंकि लोकल रोड से निकलना पड़ेगा। NH-44 बीच में बंद है, ये आपकी मजबूरी है यहाँ से जाना। भाई ये जो लोकल एरिया था ना, अब हम NH-44 पहुँच चुके हैं दोबारा। तो ये जो लोकल एरिया था, इसमें लगभग आधा घंटा हमें पूरा लग गया नीचे, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, पीछे सड़कें सारी ख़राब थी। दोबारा से NH-44 पर पहुंच चुके हैं और अभी हम निकले हैं बिल्कुल राजपुरा के आसपास कहीं पे। अभी जाएंगे यहाँ से सीधा लुधियाना की तरफ, जालंधर की तरफ, जहाँ से हम जाएंगे जम्मू। भाई ये देखो सामने, अभी हम पहुंच चुके हैं लुधियाना। और लुधियाने की पहचान आपको बताता हूँ, यदि आप सुबह सुबह आते हो साइकिल पर, देखो कितने लोग हैं यहाँ पर। अभी पूरा साइकिल पर जो, क्योंकि भाई फैक्ट्री एरिया ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादातर लोग साइकिल पर वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जाते हैं आसपास। अभी ये एक पुल हमने क्रॉस कर दिया, ये देखो जो मेन पुल है ना, इस पर भी आपको साइकिल वाले ज़रूर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई, अभी तो टाइम लगभग हमें यहाँ पे बच चुके हैं 9 के आसपास। यदि हम एक घंटा पहले आते हैं ना यहाँ पे, और ज़्यादा हमें यहाँ पे साइकिल वाले मिलने वाले थे। ये लुधियाना की पहचान है, सुबह सुबह जब आप यहाँ से निकलोगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी आपको हाईवे के ऊपर। अभी यहाँ पे भाई हमने पहला ब्रेक लिया लुधियाना में ही, जैसे पुल क्रॉस हुआ, पुल क्रॉस करते ही रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ पे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं साथ में, और मिलवाता हूँ आपको अपने दोनों फ्रेंडों से। हाँ जी अरोड़ा साहब, चाय कैसी बनी है? बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मीठा कैसा चाय में? बहुत, जितना चाहिए था उतना ही है। बिस्कुट भी अच्छे हैं, राहुल जी ने पसंद किया है, बहुत बढ़िया बिस्कुट। ऑस्ट्रेलिया से लेके आया है बिस्कुट? नहीं नहीं, लोकल लिया, यहीं से लिया, तो यहीं से है। अच्छा, मेरे को कह रहा ऑस्ट्रेलिया से लेके आया मैं।
लिया और लगभग सुबह घर से निकले थे 5:30 बजे के आसपास। अभी टाइम हो चुका है 9:50, यानी कि हमें लगभग हो गए 5 घंटे के आसपास। 5 घंटे हो गए ना, 4.5 घंटे हो गए भाई, 5 ही घंटे के आसपास हो गए। और अभी जलंधर क्रॉस किया है क्योंकि बीच में जो किसानों का जाम था ना वहाँ पे, उसकी वजह से वहाँ भाई लगभग 1.25 घंटा ख़राब हुआ है। जो भी भाई दिल्ली की साइड से आएगा ना, वो खैर सबको पता ही है, बाकी फिर भी बता देते हैं, लगभग 1 घंटे के पास आपका वहाँ 1.25 घंटे के आसपास ख़राब होएगा। दाएँ बाएँ से निकल के आना पड़ता है भाई, बड़ी बुरी हालत है उन सड़कों की। जहाँ से हम आए हैं लगभग 1 फिट के गहरे गड्ढे थे, और अरोड़ा साहब हमारे साथ थे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। बाकी एक्सपीरियंस आपको वो बताएंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा अरोड़ा साहब वहाँ का? थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट तो था, मतलब स्लो चली है ना गाड़ी, काफी स्लो चली है। बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत गहरे गड्ढे थे। और अभी जलंधर के आसपास आके ही अरोड़ा साहब ने गाड़ी दी है, अरे साहब को ये गाड़ी चला रहे हैं भाई, तो देखेंगे। मेरे को लगता है ये अब तो वैष्णो देवी लेके छोड़ेंगे हमें, बस बीच में किसी ड्राइवर की शायद जरूरत ना पड़े। अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे भाई, बाकी तो नहीं तो विश्वास हमें अरे सब पे। क्यों रोटा साहब? नहीं मुझे राजीव, मुझे पक्का विश्वास है राजीव को, राव मौका दिया जाएगा राजीव। अगर आगे कहीं पे जाम आया, सड़क टूट जाएगी, तो मुझे पक्का विश्वास है आर्या साहब गाड़ी छोड़ेंगे और राजीव जी चलाएंगे। भाई पीछे देखो कितना सुंदर बना रखा है ये। अभी एक बार वॉशरूम जाके आते हैं, सामने देखो ये वॉशरूम, वॉशरूम से बाहर आएंगे, पराठे वगैरह अपनी गाड़ी में है, गाड़ी में ही जाके खाएंगे, देखेंगे क्या रहेगा, बताएंगे आपको सारा कुछ। भाई एक्चुअली जो हम यहाँ रुके थे ना हल्दीराम पे, सुसु ब्रेक हमने यहाँ पे लिया था, सुसु करके आ गए हैं वापस अपनी गाड़ी में। बाकी यहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं है हमने, क्योंकि हम अपने पराठे साथ में लेके आए थे घर से, अभी वो खाएंगे यहाँ पे बैठ के आराम से। भाई अभी पराठे वगैरह खा लिए, रुके थे बर्गर किंग, हल्दीराम, KFC, सारा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ नहीं खाया, अपने पराठे खाए जो लेके आए थे साथ में। और अभी ड्राइव करूँगा मैं गाड़ी, राहुल बैठा है साइड में, तो चलते हैं भाई, देखते हैं आगे कौन कौन से शहर बीच में आएंगे, जो भी आएगा आपको दिखाते चलेंगे सारा कुछ। सुरेंद्र कौन से शहर आएगा आगे? जम्मू आएगा या वो लखनपुर बॉर्डर? वो तो बॉर्डर भी आएगा, अभी आएगा। चलो चलते हैं भाई, दिखाएंगे आपको जो भी आएगा। भाई यहाँ पे देखो कितने पकौड़े आपको रखे मिलेंगे, ये जगह है भाई जो ये पकौड़े के लिए मशहूर जगह है, यहाँ पे लखनपुर बॉर्डर पे जितनी भी पंजाब की हरियाणा की बसें आती है ना, वो भी यहाँ पे रुकती है स्पेशली ये पकौड़े खाने के लिए। ये देखो ये पकोड़े वगैरह लेके घूम रहे हैं, और देखो यहाँ की सारी दुकानें, पिछली जो मेरी वीडियो थी हम यहाँ आए थे उसमें मैंने आपको दिखाए थे पकोड़े, यहाँ पे खाए भी थे, मगर आप ही नहीं रुकेंगे भाई, अभी जाएंगे सीधा, क्योंकि लेट हम पहले ही हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं दोपहर के। आप जो एरिया देख रहे हैं ना भाई, ये लखनपुर बॉर्डर के बाद का एरिया है जम्मू का, बहुत ही गंदा एरिया था भाई, इसी ने सारा टाइम हमारा वेस्ट कर दिया, और लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें यहाँ पे फालतू लगा, काफी लंबी ड्राइव करने के बाद ये, क्योंकि यहाँ पे सारा काम चला हुआ है, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं सारे एरिए में। तो अभी यहाँ पे जाके जो आप यहाँ का सीन आप देख रहे हैं, ये जो टनल आती है इनके पास आके रोड साफ आया, इससे आगे का रोड काफी अच्छा है, 1-2 जगह बीच में ऐसे आएगी जहाँ पे काम चला हुआ, नहीं तो सारा रोड आगे अच्छा मिलेगा आपको कटरा तक। तो अभी आपको आगे लेके चलते हैं, इन टनल के नज़ारे आप यहाँ पे ले सकते हैं।
भाई अभी आप सामने देख रहे हैं, जम्मू से जब कटरा की तरफ जाते हैं ना, बीच में एक होटल आता है हवेली, इस हवेली पे रुकेंगे और दोपहर का लंच यहाँ पे करेंगे अभी। तो चलिए करते हैं पहले लंच। देखो सामने यहाँ पे मोटू पत्रों लगे हुए हैं सामने, ये देखो भाई, उधर है मैकडी सामने, और अभी यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे सुरेंद्र बैठ के फोटो कराएगा। सुरेंद्र फोटो कराएगा क्या? बैठ के बैठ जा। कैसा लग रहा है रोडा जी? ठीक है ठीक है, ले साइड हो गया, साइड हो, ले जो सीधा NH-44 पे उतार दो सीधा अपना, श्रीनगर रुको जाके। देखो किस तरह से जोड़ रखी है, बिल्कुल मजबूत अटैचमेंट है इसकी। ये देखो यहाँ पे यहाँ पे सोकर लगा हुआ बीच में, सोकर। चलो भाई अंदर चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं अंदर बैठ के, टाइम कम है, फिर ऊपर भी जाना है, चढ़ाई भी करनी है जाके माता रानी की। यहाँ पे दिखाते हैं आपको ट्रक, जो आधा कमरे के अंदर आधा कमरे से बाहर है हवेली पे, ये देखो। चलते हैं भाई, खाना हमने यहाँ पे खा लिया हवेली पे, अभी चलते हैं आगे कटरा की तरफ, यहाँ से बैठते हैं गाड़ी के अंदर। भाई यहाँ पे आया देखो कटरा के लिए कट, जैसे हम हवेली से निकले ना, 1 किलोमीटर भी नहीं चले, लगभग 500 मीटर आगे आए, 500 मीटर आगे आते ही ये देखो सामने कटरा का बोर्ड, और ये रोड जाएगा कटरा। जय माता दी, जय माता दी। एंट्री फीस है ना, तो यहाँ की कटरा की 115 रुपये है। लेव जी पहुँच गए हैं भाई कटरा में, ये सारा कटरा का एरिया है जो आप देख रहे हैं सामने, और यहाँ से ऊपर वो दिखेगी ऊपर अर्धकुमारी पहाड़ के ऊपर, वो वहाँ पे सामने। भाई अभी जैसे ही कटरा पहुँचा ना, ये जो भाई सामने भाग रहा है ना, ये कह रहा अभी रूम दुआऊंगा अच्छा यहाँ पे, तो देखते हैं एक बार इसके साथ जाके। ये गली है देखो, आपको भी दिखाते चलेंगे, आपको भी कहीं आओ यदि जब भी कभी यहाँ आओ तो, ये गली है बस, थोड़ा हाँ जैसे आप एंट्री करोगे ना कटरा में वैसे ही बस थोड़ा सा एंट्री करते ही मिला है भाई हमें। देखते हैं कैसे रूम दिलवाएगा, आपको भी दिखाएंगे कैसे दिलवाएगा हमें रूम। भाई आज का जो अपना रूम है ना, ये देखो सामने, ये रूम हमने आज लिया है यहाँ पे, रूम ठीक ठाक है भाई, 3 बंदे बड़े आराम से सोएंगे। देखो 3 बेड है, 3 बेड यहाँ लगे हुए हैं, और मात्र 1200 रुपये में हमें ये रूम मिला है, सिर्फ 1200। तो कई बार ऐसे भी होता है भाई, क्योंकि ऑफ सीजन है ना, रूम ठीक मिल गया बढ़िया, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो मैंने जैसे पर्दे खोल लेना कि कोई सीन मिलेगा, मगर यहाँ पे देखो सिर्फ दीवार है, दीवार पे खिड़की लगी हुई है ये। तो भाई थोड़ी देर करते हैं यहाँ पे आराम, उसके बाद चलेंगे आगे की यात्रा पे, माता वैष्णो देवी जो कटरा से चढ़ाई शुरू होती है वो देखेंगे एक बार, बैठते हैं थोड़ी देर आराम करते हैं यहाँ। रोडा साहब कैसी तबीयत है? ठीक है, पहले से बैठ रहे हैं। ठीक है तबीयत, अब लग नहीं रहा वैसे मेरे को, थोड़ा गले में है थोड़ा, लेकिन चलो देख लेते हैं जैसा होगा वैसे कर लेंगे। ठीक है ठीक। भाई अभी का सीन ये, आपका भाई नहा धो के हो चुका है रेडी, और अभी जा रहे हैं ऊपर माता रानी की चढ़ाई करने के लिए यहाँ कटरा से ऊपर। बाकी जो मेरे मेंबर है वो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरह से लेटे पड़े हैं, इनको भी उठाएंगे और चलेंगे यहाँ से ऊपर, वही चढ़ाई करेंगे सारे। तो आज के व्लॉग में इतने सा बस, जो आगे की जो हम चढ़ाई करेंगे वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे, तो वेट करना हमारे नेक्स्ट व्लॉग का। तब तक के लिए जय हिंद।